नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो रिक्रूटमेंट आई है 2022, तो वो कैसे फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, उसकी वेबसाइट कौन सी है, और आप कैसे वो इश्तिहार को आप उसको पढ़ सकते हो, या पूरी उसकी रिक्वायरमेंट की जो जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, उसका सैलरी का जो है, एग्जामिनेशन कैसे है, वो सभी इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं, kvsangathan.nic.in के। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो एक पॉपअप मेनू आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ओके दोगे तो उसका पूरा है ना PDF ओपन हो जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है आपको कौन सी जो पोस्ट है वहीं पर आपको जाना है, कौन सी पोस्ट पर आपको भरना है वो रिक्रूटमेंट, तो उसी हिसाब से आप क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्लिक अप्लाई टू द पोस्ट ऑफ आवर ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए है ना, ये है प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन KVS। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ रजिस्ट्रेशन आएगा है ना, यहाँ रजिस्ट्रेशन आएगा, तो यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ से, तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वैकेंट पोजीशन क्या है KVS की है ना, ये देखो आप PRT की, प्राइमरी टीचर की है ना, तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। मान लीजिए कि प्राइमरी टीचर की क्या पोजीशन है ना, एडवर्टाइजमेंट उसकी, पूरे एडवर्टाइजमेंट, तो ये देखो पूरी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, 6414 है प्राइमरी टीचर की पूरी वैकेंसी, SC ST EWS सभी तरह का ये है, इसमें बताया गया है कि भाई उसकी अपर एज कितनी होनी चाहिए, उसकी पे मैट्रिक्स लेवल कितना है उसका, तो सभी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी है ना। तो यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन करके, अब क्या करना क्या है, 3 स्टेप में होगा ये एप्लीकेशन, 3 स्टेप में होगा। पहला तो रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और तीसरा फी पेमेंट होगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ आपको टिक करके फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है ना। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे ना, ये PGT के लिए मैं भरता हूँ, समझो आप, ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2022 है ना, तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ भर देना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा है ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाने के बाद आप उसको शायद अधूरा छोड़ दो, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट करना होगा है ना, पूरी डिटेल जैसे CTET की आपने भरी हुई है सेम टू सेम, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी ऐसे ही भरना है आपको। उसकी पहले तो खास मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो उसकी जो है ना रिक्रूटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जैसे कि ये PDF है ना, तो ये प्राइमरी टीचर की ये PDF है, तो इसमें लिखा हुआ है एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, पेपर 1 के लिए आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो CTET क्वालिफाइड होने चाहिए आप है ना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तो कोई बात ही नहीं उसमें तो, क्योंकि वो मास्टर डिग्री और कम से कम सेकंड क्लास उसको होना चाहिए, और BEd किया हुआ है तो सही बात है उसके लिए अच्छा है ना, तो ये सब चीज़ें आप खास ख्याल रखिए। तो 3 4 स्टेप आएंगे है ना, पूरा आपका डिटेल होगा, फिर आप कौन से क्वालिफिकेशन में आप है ना, फिर उसके बाद आएगा आपका फोटो अपलोड करना होगा,
सब चीज़ें मतलब की, फिर बाद में लास्ट में फी पेमेंट का आएगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो जो मैंने ऑनलाइन दिखाया आपको प्रैक्टिकली, वो आपको पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि कुछ और भी बच्चे इसको भर सके जो पीटीसी है, बीएड है ना, डीएलडे है, डिप्लोमा है एजुकेशन में, तो सभी को बहुत सारा फ़ायदा हो सके, है ना। तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वैसे ही एजुकेशन के सभी वीडियो जो नए नए आएंगे मैं अपलोड करता रहूँगा हमारे देशवासियों और स्टूडेंट को लिए। थैंक यू, धन्यवाद।